How's the Josh sir? Hi. आज आप बोल के हाई मोटरबल रोड पे जाने वाले हो। डुमरा वैली में रुके थे हम, अब यहाँ से निकल रहे हैं खारदुंगला पास जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरबल पॉइंट है, वहाँ रुकने वाले हैं, स्नो में एंजॉय करेंगे और एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं आज हम लोग। हम पैकिंग आधी छोड़ देते हैं, उसकी वजह से ब्लॉक के चक्कर में बहुत ज़्यादा डीले हो जाता, तो अभी पैकिंग कर ले और फिर आपके साथ वार्तालाप कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे इस ट्रिप में आप आके मैं दिनेश सर के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ, उनके साथ रह के मेरी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स ब्लॉग में यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किए थे। तो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है खारदुंगला पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है खारदुंगला पास, ये यहाँ पर ये जो हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं 18,300 प्लस फीट इतनी हाइट है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम है एंड सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। हम ज़्यादा नहीं रुकने वाले हैं बट हमारे सारे राइडर्स मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ पहुँचे इतने हाइट पर, और यहाँ पर हर जगह पे ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं। टेम्परेचर जो है बिल्कुल 0 डिग्री से भी नीचे है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि यार कुछ तो अचीव किया है, यहाँ पर आके कुछ अलग किया है। देखते हैं और आगे चल के हम लोग ग्लेशियर्स एंड स्नो के अंदर खेलने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। आज हम लोग हैं खारदुंगला पास जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। 18,000 प्लस फीट हाइट पर हम हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने मिल रहे हैं ऐसा पहली बार मैंने देखा है। इसके पहले हमने देखे हैं ग्लेशियर्स बट इतने ज़्यादा हाइट, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइट का जो रोड है उस रोड पर आए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये ग्लेशियर्स कैसे होंगे, बर्फ स्नोफॉल एंड ऑल। आइए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर है ग्लेशियर्स के फॉर्मेट में जमा हुए हैं, और यही ग्लेशियर जब धीरे धीरे पिघलते हैं, थोड़ा नीचे की ओर आप जब देखते हैं तो ये जो ग्लेशियर्स हैं इनका जो बर्फ़ है धीरे धीरे पिघल के ये बर्फ़ किस तरह से पानी बन रहा है, और यही पानी यहाँ से नीचे होते हुए झरने के रूप से पहाड़ों से झरना बन के नीचे गिरता है। ये पानी इतना प्योर है कि हमने आज ये पानी पिया भी है, और बहुत ही चिल्ड वाटर है, एकदम स्नो से सीधा निकला हुआ पानी। और यहाँ से जो बादल है बहुत ही करीब है, सीधे आंखों से दिखाई देते हैं, काफ़ी करीब है बादल, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको लेना चाहिए। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लद्दाख का ये डिवीज़न है बहुत ही रोमांचक है, और इतने ज़्यादा फीट पर आके इतनी ज़्यादा ठंडी है, लगभग बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत मज़ा आया। और ये सारी चीज़ें हम खाली बुक्स में पढ़ते थे, आज लाइव देख रहे हैं। हेलो गाइस, हाय हाउ आर यू। आज हम लोग आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास चांगला, जो कि सबसे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट था वो था खारदुंगला, और अब ये है चांगला जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं, स्नो गिर रही है, धुआं निकल रहा है मुंह से, और ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में है। यहाँ पर बहुत से बादल है नजदीक में, यहाँ देख सकते हैं हर जगह ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर।
तो गाइस हम आ गए हैं पेंगोंग लेक पर। आप जो ये पीछे देख रहे हैं पेंगोंग लेक, इसका पानी आप देखोगे कितना क्लियर पानी है। ओके, ये बहुत ही दूरी तक फैला हुआ है। फिलहाल हम लद्दाख में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर तक बादल छाए हुए हैं और पूरे दिखाई दे रहे हैं, काफी करीब है हम लोग बादलों से। और ये जो लेक है ये बहुत बड़ी लेक है। ये हम जो लद्दाख में है ये फिलहाल इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी करीब है। ये लेक 30% जो इस लेक का हिस्सा है वो इंडिया में है और 70% जो पूरा हिस्सा है वो चाइना में है। यहाँ से आप थोड़ी दूर पर देखेंगे तो ग्लेशियर्स के माउंटेन्स है जो सियाचिन है और उसके उस तरफ चाइना का बॉर्डर है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो पैच आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक के बीच में, इस पैच पर थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। जो लास्ट वाला सीन है मूवी का जिसमें जो चतुर है फुनसुक वांगड़ू को पहचानता है, वो वाला सीन यहाँ शूट हुआ था। और इसके साथ ही जब तक है जान इस मूवी का जो सीन है वो भी यहाँ शूट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो है एडवेंचर के लिए जो थ्री इडियट वाले जो स्कूटर थी जिसपे करीना बैठती है वगैरह, और बहुत सारे एडवेंचर जो है पब्लिक के लिए रखा गया जो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, और इसके अंदर जो आप ये जो पूरा मेमोरियल आपने अभी देखा, ये पीछे जो माउंटेन आपको दिख रहा है ये टोलोलिंग माउंटेन है। इसके उस तरफ से ही जो पाकिस्तानी लोग हैं वो चढ़े थे और यहाँ पर प्रॉब्लम किया था। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ से आपको वहाँ दिख रहा है टाइगर हिल, ये पॉइंट है टाइगर हिल, उस तरफ से भी घुसपैठ हुई थी। होता ऐसा है कि विंटर सीजन के अंदर जो ऊपर अपने डिफेंस वाले होते हैं रूल होता है कि उन्हें नीचे आ जाना होता है विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो इंडियन है वो तो नीचे आ गए थे बट जो पाकिस्तानी घुसपैठ है वो ऊपर से सीधे इस पहाड़ी की तरफ आ गए और फिर उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया था। 22 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई तक ये वॉर चला था, कारगिल वॉर का। और फाइनली 26 जुलाई को इस पूरे जितने भी पॉइंट थे, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट थे, सब पर कब्जा कर लिया गया। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ लद्दाख में सबसे एंड का जो गांव है तुरतुक गांव। इस गांव में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है आखिर में ये यहाँ पर जो पहाड़ियों पर गांव है ये यहाँ का लास्ट विलेज है। यहाँ पर ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी, ये इंडिया की पहाड़ी है ये। और वहां पर जो आपको बर्फीली चोटियां दिख रही है ये रही। तो ये जो चोटियां हैं ये पाकिस्तान के बंकर्स वहां पर है और ये फाइनली वहां पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, थांग बॉर्डर, जहां पर हम अभी जाने वाले हैं। ये जो गांव है ये तुरतुक विलेज इंडिया का लास्ट विलेज होते हुए भी यहां पर बहुत सी फैसिलिटीज है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, सारी चीजें हैं। यहां पर पूरा आर्मी का जो पूरा दबदबा है, आर्मी वाले इनको बहुत हेल्प करते हैं। यहां का जो कल्चर है ये बाल्टी कल्चर कहा जाता है। 1971 तक ये जो इलाका था ये पाकिस्तान के अंदर था। जब 1971 में वॉर हुआ तो वॉर के अंदर ये जो है इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया उस पोस्ट तक, जहां तक मैंने बताया आपको जो ये सामने दिख रहा है वहां तक जो है अपने इंडिया के आर्मी पहुंच गई है, वहां पर बंकर्स में है। और ये बहुत ही सेफ जगह है। नॉर्मली आप लोग सुनते हैं कि कश्मीर में जो है बार बार आर्मी वालों पर कश्मीरी लोग ही हमला करते हैं, लेकिन ये जो लद्दाख का डिवीजन है ये जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन ये लद्दाख डिवीजन बिल्कुल अलग है। यहां पर पूरा शांति का माहौल है, ये सब होते हुए भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ के जो गांव है तुरतुक गांव, लास्ट विलेज है, बहुत ही एडवेंचर है, बहुत ही हाइट पर है ये।
और यहाँ पर आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, यहाँ पर जगह जगह पर झरने हैं, पहाड़ों से पानी बहता हुआ आ रहा है।